नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किचन शो में। और आज मैं आपके लिए बेसन की पनीर जैसी सब्जी लेके आई हूँ और आपको बना के दिखाती हूँ। तो मैंने एक बाउल बेसन ले रखा है, लहसुन एक, अदरक दो, हरी मिर्च चार पांच, प्याज छोटे दो, टमाटर, दही, धनिया, बाकी मसाले मैंने बाउल ले रखा है और मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी। ये बेसन मैंने छान रखा है और इसमें हम 3 चम्मच दही मिलाएंगे। और स्वाद अनुसार नमक आधी चम्मच, लाल मिर्च थोड़ा सा, हल्दी थोड़ा सा, गरम मसाला थोड़ा सा, हम इसमें धनिया काट के डालेंगे। बनाएंगे तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा भी नहीं। मिक्स हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। मुझे इस तरीके का घोल चाहिए था तो मैंने ये घोल बना दिया है, तैयार हो चुका है। गैस ऑन कर रही हूँ। 2 चम्मच मैं इसमें तेल ऐड करूँगी, ज़्यादा भी नहीं, कम तेल वाली रेसिपी है ये। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें ये घोल करेंगे। देखिए इसको हम चलाते चलाते सुखाएंगे इसको अच्छी तरह। दोस्तों हिलाते रहना है, गुठलियाँ ना बने, नहीं तो हम इसको करछी चलाएंगे नहीं तो गुठलियाँ बन जाती है। ना इस तरीके से चलाना है इसको। देखिए दोस्तों ये रेडी हो चुका है। इस तरीके का हमें चाहिए। अब हम गैस बंद करेंगे। तो दोस्तों ये रेडी हो चुका है, मैंने ये टिपन ले रखा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल लगाऊंगी, हमें इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमने इसमें लगा लेना है चम्मच के, इस तरीके से चम्मच के इशारे से। दोस्तों मैंने प्याज और टमाटर कट कर दिया है, अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस ऑन कर रही हूँ। हम इसको थोड़ा हल्का फ्राई करेंगे, तो मैं थोड़ा इसमें तेल ऐड करती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो हम सीधे इसमें मसाले ऐड करते हैं, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज। हम इस प्याज टमाटर की ग्रेवी बनाएंगे। दोस्तों हमने इसको हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हम इसको मिक्सी में पीसेंगे। प्याज रेडी हो चुका है, टमाटर थोड़ा हमने इस तरीके से कट रहा है, दब रहा है। हम गैस बंद करेंगे और थोड़ा इसको ठंडा होने देंगे, फिर इसको मिक्सी में पीसेंगे। दोस्तों मैंने टमाटर प्याज की ग्रेवी बना दी है और हम मसाले की तैयारी करते हैं। मसाले के लिए मैंने कटोरा ले रखा है, अब हम इसमें मसाले रखूँगी। 1 चम्मच धनिया और थोड़ी सी गरम मसाला, गरम मसाला तो थोड़ा कम ही खाने चाहिए। लाल मिर्च आधी चम्मच, थोड़ा सा हल्दी और जीरा,
मसालों के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी है गैस में और मैं इसमें तेल ऐड कर रही हूँ। दोस्तों तेल गरम हो चुका है, अब मैं थोड़ा इसमें जीरा ऐड करूँगी, 4-5 काली मिर्च, 2 लौंग, दालचीनी, 1 इलायची और 1 तेज़पत्ता। जो मैंने मसाले बनाए हैं तो हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा जब तेल में मसाले ज़रा बनते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है धनिए की, तो मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें जो हमने ग्रेवी बनाई थी टमाटर प्याज की वो ऐड करेंगे। और हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। दोस्तों मसाले पक रहे हैं, मसाले बहुत पकाने पड़ते हैं क्योंकि इसलिए हमने प्याज की ग्रेवी बनाई थी तो हम उसको पकाना ज़रूरी होता है। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। दोस्तों मैंने बेसन का जो बनाया था पनीर के जैसे टिक्के उसमें भी मैंने नमक ऐड कर रखा है, तो आप अपने हिसाब से ही नमक ऐड करना मसाले में। दोस्तों ये देखिए मसाले बिल्कुल तेल से अलग हो चुके हैं, अच्छी तरह पक गए हैं, ब्राउन हो गए हैं, खुशबू आने लग गई है। तो ये मिक्सी में मेरा पानी है थोड़ी जार में मिक्सी के, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिलाते रहेंगे पानी जितना हमें ग्रेवी चाहिए। तो दोस्तों आप भी कब बना रहे हो इस रेसिपी को जल्दी जल्दी बताओ और बनाओ फटाफट। तो हम थोड़ा इसको पकाते हैं ग्रेवी को, उसके बाद देखते हैं मसाले हमारे बनते हैं तो फिर हम इसमें बेसन की टिक्कियां डालते हैं। दोस्तों ये देखिए ग्रेवी बन चुकी है, कितना अच्छा कलर आ गया इसमें। अब हम आपको बेसन की हम जो बना रखा है वो दिखाते हैं कट करके। तो ये देखिए ये सेट हो चुका है, अब हम इसको निकालेंगे इस तरीके से, आसानी से निकल जाते हैं ये। हम इसको थोड़ा कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने कट कर दिया है, अब हम इसको सब्जी में ऐड करेंगे। तरीके से आप बनाना बहुत अच्छी होती है, मैं तो बनाते रहती हूँ सब्जियों को। ये देखिए दोस्तों अब मैं इसमें धनिया ऐड करूँगी। बस हमने थोड़ा ही पकाना है इसको, बाकी सब्जी तैयार हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों तो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाय।